बीते कई सालों से मुंबई में अपने भाई साजिद और अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रहे थे वाजिद खान। बीमारी से ग्रसित होने के बाद, किडनी से जुड़ी बीमारी से ग्रसित होने के बाद, किडनी में प्रॉब्लम होने के बाद, किडनी डैमेज होने के बाद जब किडनी ट्रांसप्लांट उन्होंने कराया, तब उन्हें ऐसा लगा था कि अब वो आराम से अपने घर पर चैन से रहकर अपने म्यूजिक फील्ड पर ज़्यादा गौर फरमाएंगे। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बावजूद किडनी में इन्फेक्शन बढ़ गया, जिसके कारण वाजिद खान को दोबारा से हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था। लेकिन इस बार कोरोना के संक्रमण में आने की वजह से वो खुद को बीमारी के आगे झुकाने के लिए मशहूर हुए, लेकिन हमेशा बीमारी से डटकर लड़ते थे वाजिद खान। घर पर ही रहकर, बीमारी में घर पर ही रहकर वो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना बड़ा योगदान दे चुके हैं। घर पर रहकर लगातार म्यूजिक को लेकर पैशनेट रहने वाले वाजिद ने कभी गाना बनाया, कभी गिटार के साथ धुन बनाया, कभी पियानो बजाकर लोगों के बीच अपने नए परफॉर्मेंस को पेश किया, तो कभी बाकी म्यूजिक टीम मेंबर्स के साथ नए गाने की अरेंजमेंट की। आखिरी बार सलमान खान के साथ ईद पर रिलीज हुए गाना भाई भाई को आवाज़ देने के बाद वाजिद हम सब से दूर जा चुके हैं, लेकिन उनके घर की ये जो वीडियोस हैं उनके दर्द को बयां करती है, जिसमें वो हंसते खिलखिलाते नजर आए हैं, लेकिन हंसकर वो अपना दर्द छुपा रहे हैं। इस वक्त की वीडियो है जब वाजिद किडनी से जुड़े ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद बीमारी से होने वाले इन्फेक्शन से काफ़ी समय तक लड़ रहे थे, जिसकी वजह से लगातार उनके चेहरे पर भी इसका असर साफ मुरझाए हुए चेहरे के साथ नजर आ रहा था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति रिपोर्ट।